हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये बताओ, पहले जो हमने पार्ट वन डिस्कस किया कैसा लगा? होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद भी आया होगा, बिकॉज सोल्यूशन काफ़ी डिटेल में थे और काफ़ी आराम से मैंने करवाया था। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये एक नई सीरीज है। टॉप फाइव वाली सीरीज तो चल रही है, बट ये एक नई सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 2015 से हमने सफ़र शुरू की है कि 2015 से लेके हम 23 तक के सारे जितने पेपर हैं उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट एक प्रॉपर मैनर में और एक अच्छे तरीके से। दूसरी बात, सोल्यूशन शॉर्टकट वाले होंगे, लॉन्ग कट वाला कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला इसमें, मतलब लॉन्ग कोई सलूशन नहीं होगा। तीसरी बात, सलूशन आपको टू दी पॉइंट मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, वैसे वैसे दिल की धड़कने तेज होगी एस्पिरेंट्स की कि कैसे करना है, क्योंकि यही सही समय है इस एग्जाम को क्रैक करने का। क्योंकि अगर जैसा 2023 का पेपर था, 2024 का पेपर ऐसा आया तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय मायूसी हाथ लगने के, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों या एस्पिरेंट्स के साथ 2023 में ही हो चुका है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो गए थे, बट कहीं ना कहीं सी सेट क्वालिफाई करने में वो असफल थे, इस वजह से वो प्रीलिम्स में ही रह गए और मेंस तक का सफ़र कर ही नहीं पाए। तो आप ये गलती मत करो, इसीलिए अभिमन्यु आईएएस लेके आया एक फ्रेश बैच, एक नया बैच जो आपको सही दिशा देगा, सही डायरेक्शन बताएगा और जिसके अंदर आपके पास बहुत सारा कंटेंट रहने वाला है। चलिए उस बैच की हम थोड़ी सी बात कर लें। देखिए ये बैच है वो, अब चलिए इस बैच की थोड़ी सी बात कर लें, क्या इस बैच में ऐसा खास। सबसे पहली बात, टाइमिंग्स क्या रहेगा आपका, 3 से लेकर 4:30। आपके पास 4 डेज अ वीक रहने वाला है बैच। इसमें 180 से ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अब इन 180 लेक्चर्स का प्रारूप क्या रहने वाला है, मतलब किस वे में आपको ये 180 लेक्चर्स मिलेंगे, देखिए कैसे मिलेंगे। इसमें 90 आपको मिलेंगे, 90 टोटल लेक्चर जो आपको ऑन बोर्ड मिल रहे हैं, मतलब आपको जो बैच के अंदर मिल रहे हैं, जिसके अंदर 50 आपके क्वांट के हैं, 25 लॉजिकल के और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर से रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर लेक्चर से आपके पास 15, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपके पास रहने वाले 50+, लाइव मेंटरशिप सेशन रहने वाले आपके पास 30+, तो 180+ लेक्चर्स आर मोर देन इनफ टू क्वालिफाई सी सेट। प्लस इसमें हर लेक्चर में आपको क्या खास मिल रहा है, मैं आपको एक बात और बताऊं, यहीं पे लेक्चर के साथ 30 मिनट्स का डेली डाउट सेशन रहता है आपके पास, 30 मिनट का डेली का डाउट सेशन है। अब क्लास में तो क्वेश्चन हो गए तो डाउट कहाँ से आएंगे। हर लेक्चर के साथ एक रिसोर्स चार्ट होगा जिसके अंदर सारा थ्रेटिकल पार्ट कवर होगा। नंबर दो, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी पोर्टल पे प्री अपलोडेड लेक्चर से पहले। आपको एक हफ्ते का पहले ही आपका सेशन पता होगा, एक हफ्ते आपको क्या करवाया जाएगा, कौन कौन से लेक्चर्स हैं, कौन कौन सी मेरे पास लेक्चर्स आने वाले हैं, समझ आई बात। कोई भी दिक्कत हो 9517771651 पे कॉल कीजिए और आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, यानी आपके सारे प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, क्लियर। इस बैच के इनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो बतानी बाकी हैं, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, क्लियर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। चलिए, एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस हिज मंथली पेट्रोल कंजप्शन व्हेन द प्राइस वेंट अप। द प्राइस कंजप्शन रिलेशनशिप एज फॉलो। देखो प्राइस दिए 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, इन रुपीज, इन पर लीटर, ठीक है। मंथली कंजप्शन इन लीटर्स क्या है, 60, 48, 40 और 32। अब इसके बीच में कॉमन पॉइंट है, अब होता क्या, आपके पास एक्सपेंडिचर क्या होता, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है। कंजप्शन क्या हुआ, कंजप्शन ही तो आपकी इनडायरेक्टली क्वांटिटी हुई, ठीक है। देखो वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस गोज अप टू 80 पर लीटर हिज एक्सपेक्टेड कंजप्शन इन लीटर विल बी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट जो बच्चा दिमाग से चलेगा, जो बच्चा थोड़ा सा धैर्य रख के चलेगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप होगा, वो कर लेगा। देखो अगर मैं बात करूं, देखो अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना चाहूँ, 60 गुना 40 कितना होगा भाई, 2400। 50 गुना 48 भी कितना होगा, 2400।
60 गुना 40 भी कितना होगा आपके पास 2400, और आपके पास 75 गुना 32 भी कितना होगा आपका 2400। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आपका जो खर्चा है ना वो मंथली कितना 2400। इसका मतलब हर केस में आप सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये खर्च रहे हो। अब बताओ इस क्वेश्चन को देखने में तो कितना भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है, बट आसान है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास, प्राइस इनटू ऑफ क्वांटिटी, यानी 2400 इज इक्वल टू 80 इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ऑप्शन नंबर 30 लीटर। बताओ यूपीएससी सीसेट 2015 का प्रश्न है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो कितना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है और करेंगे कैसे इसे। देखो, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई। देखो मैं एक्स और वाई की बात करूं, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली द थ्राइस नंबर ऑफ पर्सन हु रीड वाई, यानी पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं, एक्स तीन है तो वाई के, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स, यानी सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, वन रेशो थ्री, क्या यही बोल रहा है? बिल्कुल यही बोल रहा है क्वेश्चन में वो आपको सीधा सीधा। या इस क्वेश्चन को ना हम करते हैं वेन डायग्राम की मदद से, देखो क्योंकि यहां से कुछ डेफिनेटली मिलेगा नहीं। देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं यहां से, देखो थ्राइस थ्राइस वाले जो मर्जी बात है, इस पार्ट को लेता हूं मैं ए, इसके लेता हूं बी और इसको लेता हूं सी। ये मेरा हो गया एक्स पार्ट और ये मेरा हो गया वाई पार्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अपने पास क्या दिया, सबसे पहले कि थ्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, थ्राइस ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां से कॉमन क्या है, यहां से बी कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहां से बी क्या आएगा मेरे पास 3a माइनस सी, और यहां से बी क्या आएगा मेरे पास 3c माइनस ऑफ ए। तो बेटा दोनों को बराबर रखो, तो क्या आ गया 3a माइनस सी इज इक्वल टू 3c माइनस ए। तो ये कितना आ गया आपका 4a इज इक्वल टू 4c, यानी a बराबर कितना आ गया c, मतलब ये भी a है, मतलब ये वाला दोनों पार्ट बराबर आ गए, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ, b कितना आएगा 3a माइनस ऑफ सी कितना, a के बराबर, और ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए। इसका मतलब ये पार्ट क्या आ गया मेरा ट्वाइस ऑफ ए। अब मेरे को क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड द मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड द ओनली मैगजीन एक्स, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन, बोथ द मैगजीन मतलब ये वाला पोर्शन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स। यस, अगर ए है तो 2a हो गया, तो भाई पहला तो क्या कर गया सेटिस्फाई, पहला क्या कर गया मेरे पास सेटिस्फाई। दूसरा क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रीड आइदर वन ऑफ द मैगजीन और बोथ द मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन। यस, ये भी सही है। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब देखो जरा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास ग्राफ वाले क्वेश्चन काफी थे, बट आसान थे, मुश्किल कुछ नहीं था। द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग ऑफ ए एंड बी ओवर द पीरियड 2002 से 2010। फ्रॉम द ग्राफ विच वन द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड यूपीएससी सीसेट 2015। देखो वो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है आपको, कि ऑफ द एवरेज ए अर्न मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज बी अर्न मोर देन ए ड्यूरिंग दिस पीरियड। द अर्निंग ऑफ ए एंड बी वर इक्वल, द अर्निंग ऑफ ए वर लेस कंपेयर टू बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं 2000 से 2007 की बात करूं, ये मेरे पास ये है ए का कर्व ज्यादा है, 7 साल ए का कर्व ज्यादा है, और बी की बात करूं बी का कर्व सिर्फ 3 साल ज्यादा है, तो एवरेज क्या होगा, क्या बोलोगे, ऑन एन एवरेज ए अर्न मोर देन बी, बिकॉज आपके पास डेटा यही अवेलेबल है, कहीं से भी बी मेरा ज्यादा नहीं हो सकता, तो ए आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम बाय टू फैमिलीज ए एंड बी आर रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट।
फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात, जब तक टोटल मेरे को पैसे नहीं पता मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ दिया हुआ है देखो, यहाँ कितना 20,000 पर मंथ और यहाँ कितना 1,00,000 पर मंथ। अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर 20,000 का 50% निकालूँ 10,000 आ गए, क्योंकि फूड के बारे में पूछा गया है, और 1,00,000 का 10% भी कितना मेरे पास 10,000। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फैमिली ए स्पेंड्स मोर मनी ऑन फूड देन बी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या मिला है, फूड पे दोनों बराबर कर रहे हैं, तो भाई पहला कंक्लूजन गलत हो गया। फैमिली बी स्पेंड मोर मनी देन फूड ऑन फैमिली ए, गलत हो गया। फैमिली ए एंड बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ फूड, यस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर मेरा, क्लियर। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन कह सकते हो इसको, पिछले वाला थोड़ा सोचने वाला था कि क्या ये हो सकता है, बिकॉज बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि वैल्यू तो गिवन नहीं, बट ऑप्शंस को देख के आप इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या दिया, एयर वाइज वेरिएशन ऑफ प्राइस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी इज शोन इन द फिगर फॉलोइंग ग्राफ, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन 1990। देखो ये मेरे को दिया है साल, और ये मेरे को दिए प्राइस 0, 10, 20, 30, 40 and 50। वो क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन 1990। देखो 1990 में क्या हो सकता है मेरा प्राइस, अगर मैं बात करूं, देखो ये 10 हो गए 1990 में, ये कहाँ है, ये यहाँ पे, और ये किसके बीच में, बिटवीन 10 and 20, बिल्कुल जी। तो ऑप्शन नंबर सी, देखते ही आंसर लग गया इसका तो। ठीक है, ये अच्छा था पेपर काफ़ी। चलिए, इफ़ द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशो 4:3, देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 3:2, इफ ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ देन मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली आर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर का। देखो एक्सपेंडिचर आपके पास इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, I1 = E1 + S1। ठीक है, उसने क्या बोला कि इनकम का रेशो कितना है आपके पास 4:3, मैंने माना 4P = 3P है आपकी इनकम का रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया 4P = expenditure 1 + savings कितने 6,000। तो यहाँ से मैं एक्सपेंडिचर 1 कितना बोल सकता हूँ मेरा 4P - 6,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I2 = E2 + S2। I2 कितना मेरे पास 3P - 6,000, और ये क्या हो गया मेरा E2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 / E2 कितना है मेरा 3/2, तो E1 / E2 कितना आएगा बेटा 4P - 6,000 / 3P - 6,000। सो E1 / E2 कितना आएगा 3/2, सो 3/2 = 4P - 6,000 / 3P - 6,000। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो कितना आएगा 3 × 3P - 6,000 = 2 × 4P - 6,000। तो ये कितना होगा 9P - 18,000 = 8P - ये कितना आ गया, P की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी मेरी, P क्या आ गया मेरा 6,000। अब मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है वो, देर मंथली इनकम, मंथली इनकम कितनी थी बेटा 6 × 24,000, 6 × 18,000। सो ऑप्शन क्या है मेरा 24,000 / 18,000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब आपके पास एक से एक सोल्यूशन आने वाले धमाकेदार, क्योंकि यहाँ से बेहतर कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज करिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का। टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर पार, ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर,
मतलब यहाँ से जब यहाँ गए कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जब यहाँ पे आए तो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? देखो एवरेज स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास। तो स्पीड एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज माय एवरेज स्पीड। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, आप 360 गए और बेटा 360 आए। अब टाइम देखना है मुझे, देखो डिस्टेंस वन, डिस्टेंस स्पीड वन इंटू टाइम वन, यानी पहले केस में डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है 40, और ये क्या देगा टाइम वन, तो टाइम वन कितना आ गया 9 आवर्स। नेक्स्ट में क्या दिया है 360 इज इक्वल टू 60 इंटू ऑफ टाइम टू, तो कितना आ गया 6 आवर्स, तो कितना हो गया 720 बाय 15, तो ये कितना हो गया 15 × 75 = 48 है भैया 48। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये क्या 750 - 30, 750 - 30 यानी 50 - 2 = 48। क्लियर, तो बी सही ऑप्शन था। चलिए जी, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल देर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस एंड 5 मोर मार्बल्स देन द ग्रीन वन इफ देर आर टोटल 10 वाइट मार्बल। देखो वाइट, रेड, ग्रीन, ये तीन तरह की मार्बल्स मुझे प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है जी, तीन तरह की मार्बल मुझे प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, देखो उसने बोला 10 मेरे पास हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन आती है इसमें, देखो इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल देर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस, यानी आपके पास क्या दिया वो क्वेश्चन में, आपके पास 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस, मतलब टोटल अगर 13 रेड हैं तो आपके पास 3 कम हैं जो वाइट हैं रेड से, सिंपल सी बात। डन, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देन द ग्रीन वन 5 मोर वाइट मार्बल्स देन ग्रीन वंस, यानी ग्रीन कितनी हुई, बस इतनी सी बात है, ऐड कर दो कितना आएगा आपके पास, ये था बस। अगर 13-10 वाला किस्सा समझ आ गया तो आंसर हो गया था। क्लियर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो, थैंक यू। चलिए भाई नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बस लेस देन 5 गोट्स, मतलब काउ की अगर बात करूं मैं, उसका प्राइस 4 गोट से ज्यादा और 5 गोट से कम है, मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं इनका प्राइस। इफ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 and 800, कुछ मत करो कुछ मत करो, इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है मुझे एक्चुअली। देखो अगर कम से कम देखोगे, एक गोट 4 × 600 यानी कितना हो गया 2400, और 800 5 × 800 कितना हो गया 4000, तो भाई काओ जो हैं वो 2400 से 4000 तक होंगी, काओ बिटवीन, बताइए कितना आसान सा प्रश्न था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सो पहला पार्ट मुझे था, सेकंड पार्ट में काफ़ी आसान आसान बट लॉजिकल क्वेश्चन है, दिस ऑल आर लॉजिकल क्वेश्चन। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखो कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिशन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन, चलो मैं मानता हूँ मेरे पास 100% थे, वो कितना भी डाटा हो सकता है, मैं मानता हूँ 100 थे, वो कितना भी डाटा हो सकता है, वो 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, मैंने 100 ले लिया अपनी मर्जी से। ठीक है जी, मैंने मान लिया 100 था। ठीक है, वो कह रहा है जिसके अंदर 60% मैन एंड 40% वुमेन था, मैन कितने 60%, क्योंकि परसेंटेज में अगर 32.5 भी आएगा ना वो चलेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एक्चुअल डाटा, वी आर कंसीडरिंग एनी अज्यूमिंग एनी डाटा, और वुमेन की बात करूंगा तो कितना आएगा आपके 40%। ठीक है, कैंडिडेट इन कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन 60% मैन एंड 40% वुमेन, 70% ऑफ मैन
देखो इसका 70% यानी 42 एंड 75% वुमेन, और इसका 75% यानी कितना 30। इन्होंने एग्जाम को क्लियर कर दिया, मतलब एक फाइनल स्टेज में आ गई है। ठीक है, क्वालिफाइंग एंड एंटरिंग द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन। देखो इसके 80% एंड 70% वुमेन, यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो इसका 70%, इसका 70% कितना होगा 21। अब खुद सोच के देखो, अगर ये 40 होता 800 का 32, यानी ये तकरीबन 32 से भी ऊपर आएगा आपका। देखो कितना आएगा, 42 इंटू 80/100, देख लो भाई कितना आएगा, 320 प्लस 16 33.6 आएगा। मतलब टोटल जो भी थे उसमें से 33.6% जो है ये हुए, और 21% अपने पास वुमेन। अब क्या दिया क्वेश्चन में, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सक्सेस रेट हायर फॉर वुमेन। गलत जी, मैन का ज़्यादा है, ओवरऑल सक्सेस रेट बिलो 50। देखो 80, 33.6 और 21%, कितना हो गए, मोर देन 50, 54.6 हो गया। तो जो सक्सेस रेट है मेरा वो भाई 50 से ज़्यादा है। मोर मैन क्लियर द एग्जाम देन वुमेन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज डिटेल सोल्यूशन मिल रहा है आपको और PDF भी मिल रहा है लेक्चर की, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर दैट सेशन। सो नेक्स्ट इज माई माइक्रो कोर्स। वट इज माइक्रो कोर्स? माइक्रो कोर्स एक ऐसा आपके पास जरिया है, माध्यम है, जिसके थ्रू आप अपने उन टॉपिक्स पे काम कर सकते हो जो आपके वीक हैं। वीक का मतलब क्या है, जिनमें आपको डाउट है या जिनमें आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, आप उन पॉइंट्स पे काम कर सकते हो। जैसे आपका नंबर सिस्टम, मोर देन 20+ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम नंबर सिस्टम, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और वी हैव मोर देन सफिशेंट लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स आर देयर ऑफ नंबर सिस्टम। लेट मी टेल यू, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, चाहे वो फुल कोर्स का लिंक हो, चाहे वो माइक्रो कोर्स का लिंक हो, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले स्टूडेंट्स आपको। चलिए देखते हैं, चलिए चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज से। देखिए ऑल सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो कोर्सेज। बहुत सारे बच्चे अभी से पहले कर रहे हैं इसको, डाउट्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालना है और कॉल मी या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। और नंबर अगर आप कॉल भी करना चाहें तो पहली शीट में मैंने नंबर बताया था, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे जुड़ेंगे आप डायरेक्टली। मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ बेटा, यहाँ पे क्या है, 3363 का है पूरा नंबर सिस्टम के। तकरीबन 22% प्रश्न यहीं से पूछे गए, मतलब 22% प्रश्न जो है नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। 421 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 9 आपके पास वेब नोट्स हैं। व्हाट आर वेब नोट्स? वेब नोट्स आपके पास सारा थ्रेटिकल पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। 421 क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो, 30 से 40 क्वेश्चन का टेस्ट बनाइए और इसको फिर थ्रू आउट आप दे सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है जैसे सिंप्लीफिकेशन है, ₹114 में आपके पास 4 लेक्चर्स हैं। देखो यहाँ पे कितने लेक्चर्स हैं, ₹324 में 10 लेक्चर्स हैं, 10 मेगा लेक्चर्स हैं आपके पास, एंड दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर अपकमिंग सीसेट 2024। क्लियर, सो बिगुल बच चुका है, देरी सिर्फ आप लोगों की, आप लोग क्यों देर कर रहे हैं आई डोंट नो। क्लियर, सो प्लीज़। और देखिए सारा का सारा ये, अगर मैथ एंड मेंटल एबिलिटी को छोड़ दूँ और बाकी मैं आपसे बात करूँ, जैसे जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, देखो इसका पूरा बंडल 2641 का है, बट अगर सिर्फ पजल टेस्ट करना है तो 245 का, रैंकिंग एंड ऑर्डर 130, स्टेटमेंट कंक्लूजन। और यहाँ पे एक खास बात क्या है, यहाँ पे आपको परसेंटेज बताई गई है कि किस चैप्टर से कितना परसेंट पोर्शन आया हुआ है। क्लियर, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।